Hi all of you. Good morning everyone and happy Makar Sankranti. Makar Sankranti ki aapko bahut 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 badhaiya. Meetha khaiye aur meetha boliye. Sabse meethe rahiye. Aaj main ek naya topic leke aayi hu aur wo topic hai apna design. Last time hum log ne dekha कि हम लोग ने कॉफ़ी से ग्रीटिंग्स कैसे बनाए. उस टाइम पे क्या था, न्यू ईयर था, राइट. जब भी मैं आती हूँ ना कुछ फेस्टिवल रहता है. फर्स्ट जब भी मेरा सेशन चालू हुआ था तभी नवरात्रि थी, ओके. उसके बाद ये न्यू ईयर, अभी मकर संक्रांति, लकी नो. तो आज का अपना टॉपिक है डिज़ाइन, और डिज़ाइन सीखने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं. माई सेल्फ भारती राजेंद्र पिंपले फ्रॉम कामराज नगर हिंदी स्कूल. आई एम वर्किंग एज अ ड्राइंग टीचर. एज पर माई नॉलेज यू नो मी वेरी वेल नाउ. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक. आज का जैसे मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है डिजाइन, मतलब हिंदी में संकल्प चित्र. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज डिजाइन. डिजाइन मींस एक अपने को एक पर्टिकुलर एक शेप दिया रहेगा, या एक कोई भी जगह, एक कोई भी आकार, उस आकार को हमें डेकोरेट करना है. दिए गए हुए आकार को हमें सजाना है, हमें डेकोरेट करना है, हमें उसे कलरफुल करना है, और उसमें हमें रचना करनी है, अरेंजमेंट करनी है, और उस अरेंजमेंट के सहायता से हमें वो शेप सुंदर बनाना है. इन शॉर्ट, दिए गए आकार की यूजफुल अरेंजमेंट करके, अच्छे से अरेंजमेंट करके उसे प्रेजेंट करना, इसे कहते हैं डिज़ाइन. डिज़ाइन के दो टाइप्स है. वन इज डेकोरेटिव डिज़ाइन, मीन्स अलंकारिक डिज़ाइन, अलंकारिक आकार से बनी हुई डिज़ाइंस. और सेकेंड वन इज रचनात्मक, मतलब कंपोजिशन. अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो डेकोरेटिव फॉर्म्स रहेंगे जिसमें आपको जो भी शेप दिया रहेगा, जैसे पॉट हो, हैंकरचीफ हो, या प्लेट्स हो, या कोई भी आपको एक पर्टिकुलर शेप दिया रहेगा, उस शेप में आपको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस यू गो, आपको उसको डेकोरेट करना है, आपको उसको सजाना है. उसमें ऐसे फॉर्म्स यूज़ करने हैं आपको जो रियलिटी में नहीं है. जैसे कुछ फ्लावर्स हम लोग देखो, मेहंदी की डिज़ाइन होती है, वो सुंदर बनाने के लिए वो फ्लावर्स जैसे बनाते हैं, वो हो गया डेकोरेटिव फॉर्म. मींस वो चीज़ अच्छी दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए जो भी पैटर्न्स निकालेंगे और जो भी डिज़ाइन बनेगी, जो भी अरेंजमेंट बनेगी, उसे हम लोग कहेंगे अलंकारिक डिज़ाइन, ओके. सेकेंड वन इज जैसे मैंने आपको कहा कंपोजिशन. तो कंपोजिशन में क्या है? तो कंपोजिशन में है, उसमें भी आपको एक आकार दिया गया रहेगा, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए रहेंगे, और बेसिकली वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर आपको एक तो नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे पत्ते हैं, या बटरफ्लाई है, या आप फ्लावर्स ले लो, कोई भी फॉर्म्स, नेचुरल फॉर्म्स और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स. तो वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और नेचुरल फॉर्म्स यूज़ करके आपको डिज़ाइन बनानी है, जिसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें ओवरलैपिंग है, जो आपको अभी जैसे मैं अभी नेक्स्ट आपको ये बताने वाली हूँ, डेमो दिखाने वाली हूँ थोड़ा, तो उसमें आपको वो सब चीज़ें जो रूल्स अपने को फॉलो करने हैं, वो रूल्स
आपको उसमें समझ में आएंगे। तो वो रूल्स फॉलो करते हुए, एक दायरे में रहते हुए, एक रूल्स को फॉलो करते हुए, जो डिज़ाइन, जो अरेंजमेंट हम लोग बनाएंगे और उसको सजाएंगे, इसे कहेंगे हम लोग कंपोजिशन। कंपोज करते हैं यानी अरेंज करते हैं। ओके, तो ये दो डिफरेंस आपको समझ गए, एक डेकोरेटिव फॉर्म्स एंड अनदर वन इज कंपोजिशन। ओके, तो लेट मी स्टार्ट माय डेमोंस्ट्रेशन। ओके, तो इस डेमोंस्ट्रेशन में आपको पूरा ड्राइंग मैं करके आज नहीं दिखाने वाली, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होने ज़रूरी है। जब भी आप ड्राइंग करोगे तभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो आज का ये सेशन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए होगा, और आगे के सेशन में जब भी डिज़ाइन टॉपिक आएगा तो वो टाइम पे मैं आपको एक पूरा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, जिसमें टेक्सचर्स होंगे, कलर स्कीम होगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो मैं अभी आपको आज ये एक इन्फॉर्मेटिव एक असाइनमेंट करके दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में बताया कि संकल्प मतलब क्या, एक विशिष्ट आकार को सजाना, उसके दो प्रकार है। पहला है अलंकारिक संकल्प चित्र। अलंकारिक संकल्प चित्र मतलब विशिष्ट एक आकार दिया गया हुआ है, जैसे ये पॉट का आकार है, ये फैन का आकार है, ये भी फैन का आकार है, ये पर्स का आकार है, ये एक पॉट का आकार है, ओके, ये एक अम्ब्रेला का शेप है। तो ऐसे अलग अलग एक आकार दिए गए होंगे, उस आकार को सजाना, उसको डेकोरेट करना नेचुरल फॉर्म में या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, और उसको सुंदर बनाना, अलंकृत करना, डेकोरेटिव करना, उसे कहते हैं डेकोरेटिव फॉर्म्स ऑफ डिज़ाइन। ओके, क्योंकि इसको सजाने के लिए हम लोग अलग अलग फ्लावर्स और अलग अलग पत्ते या अलग अलग चीज़ें या टेक्सचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर दिए गए शेप में किया गया काम, दैट इज़ अ डेकोरेटिव फॉर्म्स। ओके, एंड सेकेंड वन इज़, दूसरा जो टाइप है डिज़ाइन का वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या, कंपोजिशन मतलब कंपोज करना दिए गए एक आकार में। यहाँ पे भी आकार होता है, इसमें भी एक आकार होता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जिसमें, तो पर्टिकुलर आकार होता है, जैसे स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, ओके, सर्कल हो, सेमी सर्कल्स हो, ये जैसे ये सर्कल है, ये जैसे सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल है, उसके बाद में ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल में यानी एक ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो आकार दिया गया होता है, विशिष्ट आकार दिया होता है, उस आकार में विशिष्ट रचना करना नियम के अनुसार, जो आपको एलिमेंट्स बोले हैं, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल्स है, वो डाल के आपको उसे डेकोरेट करना है, उसको सजाना है, उसे कहते हैं रचनात्मक चित्र। आज हम लोग करेंगे रचनात्मक चित्र के बारे में, हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। तो रचनात्मक चित्र करते वक्त, ये भी एक एग्जांपल है रचनात्मक चित्र का, एक स्क्वायर के अंदर मैंने नेचुरल फॉर्म भी यूज़ किया है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी यूज़ किया है। तो कौन से रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे इसमें ड्रॉ करते हुए, तो वो जानेंगे, उसके बाद में कौन से मीडियम्स यूज़ करेंगे वो जानेंगे।
मीडियम मतलब कौन से कलर से हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग पेन का इस्तेमाल करके भी, कलरफुल पेन का इस्तेमाल करके भी ड्राइंग पूरा कर सकते हैं, स्केच पेन का इस्तेमाल करके भी हम लोग ड्राइंग पूरा कर सकते हैं, कलरफुल स्केच पेन का इस्तेमाल करते हम लोग ड्राइंग पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वाटर कलर यानी पोस्टर कलर्स और पेस्टल कलर्स का उपयोग करके भी ड्राइंग पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर कलर में ही करें या पेस्टल में ही करें। एक सिंपल आपके पास अगर बॉल पेन भी रहेगा, रेड ब्लैक एंड ब्लू, तो भी आप संकल्प चित्र पूरा कर सकते हो, भले वो अलंकृत हो यानी डेकोरेटिव फॉर्म्स में हो या रचनात्मक यानी कंपोजिशन में हो। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कंपोज कैसे करना है, ड्राइंग को अरेंज कैसे करना है। ये ड्राइंग करते वक्त कौन से विशिष्ट रूल्स है, यानी कौन से रूल्स अपने को फॉलो करने हैं, क्या क्या देखना है करते वक्त, वो आज हम लोग यहाँ पे आज छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आज लेंगे और पूरा कलरफुल ड्राइंग मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियम्स कौन से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ड्राइंग करते हुए हमें कलर्स का भी इस्तेमाल करना है और कलर स्कीम का भी इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्पेस पे आपको और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन यानी बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ और यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, बेसिक स्केच दिखा रही हूँ। पर रियल में जब भी आप कभी भी ड्राइंग करेंगे तब भी याद रखना है कि चारों बाजू से मार्जिन करके सेंटर में ड्राइंग करना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू हैव टू ड्रॉ योर ड्राइंग, एनी ड्राइंग, जो भी ड्राइंग रहेगा वो स्पेस को अच्छे से एडजस्ट करके सेंट्रल में उसको ड्राइंग करना है। एक कोने में ड्राइंग करेंगे तो वो अच्छा लगेगा नहीं, और पेपर के साइज़ के हिसाब से ड्राइंग आपको करना है। ओके, आप बहुत छोटा भी ड्राइंग करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत पूरा पेज भर के भी ड्राइंग करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि यू हैव टू ड्रॉ इन अ सेंटर ऑफ पेपर। ओके, अभी आपको रचनात्मक चित्र आज सीखना है। तो रचनात्मक चित्र में हमें अलग अलग आकार दिए जाएंगे, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैं आपको सैंपल्स दिखाती हूँ। ये भी एक बेसिक शेप है, इसमें मैंने ये फ्लावर्स की पत्तों की रचना की है। ओके, तो ऐसे ही अपने को आज सीखना है। यहाँ पे सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी सेमी सर्कल में मैंने फिश और कर्व लाइंस और पत्तों की रचना की है, यानी इस फॉर्म में, रचनात्मक फॉर्म में आप नेचुरल एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पत्ते हैं, फ्लावर्स है, तितली है, उसके बाद अलग अलग शेप्स यानी फ्लावर्स के शेप्स है, बटरफ्लाइज के शेप्स है, ऐसे कुछ भी फॉर्म्स एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। प्लस आप इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स भी यूज़ कर सकते हो, लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइंस, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल्स, एनीथिंग। ओके, उस सब चीज़ की आपको क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर शेप। जो दिया गया शेप है उसमें उसकी अरेंजमेंट करके उस शेप को हमें सुंदर बनाना है, दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन। ओके, अभी हम बेसिक जो है वो इसमें समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक थोड़े से कॉर्नर में कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे नहीं कर रही हो, ड्राइंग को आपको सेंटर में करना है। मान लो आपको एक स्क्वायर आया, अभी इसमें मैं यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज़ कर रही, पर ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपको ज्योमेट्रिकल मटेरियल्स यानी रचनात्मक चित्र में या कंपोजिशन में आप ज्योमेट्रिकल मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, आपको आप अगर करना चाहे तो। वैसे टीचर्स आपको बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करने नहीं है, पर आप इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स करके ड्राइंग कर सकते हो। जैसे मैंने एक सर्कल निकाला, ओके, अभी मैं दूसरा सर्कल निकालने वाली हूँ।
ये सर्कल करते करते मेरा हाफ हो गया, यहाँ से बाहर जा रहा है, जैसे मैंने कंपस से निकाला तो यहाँ से बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ बाहर करूँगी क्या? नहीं, मेरा इतना हुआ है क्योंकि मेरा शेप दिया गया, बेसिक शेप क्या है मेरा, एक ट्राइंगल या एक स्क्वायर है, तो उसके अंदर मैं ये शेप जितना आया उतना ही करने वाली हूँ, तो इतना यहाँ का छोड़ देना है। ओके, अभी फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको रिपीटेशंस करना है। क्या है? रिपीटेशन। क्या फॉलो करना है? तो रिपीटेशन फॉलो करना है, बार 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 वही आकार आपको करना है। एक बार सर्कल निकाल लिया छोड़ दिया ऐसे नहीं, क्योंकि रिपीटेशंस अगर आप करते हो तो फिर वो एक चेन तैयार हो जाएगी और जिसके कारण अपना डिज़ाइन सुंदर दिखेगा। ये देखो मैंने रिपीटेशंस किए, उसके बाद में ये जो आप शेप्स करने वाले हो, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो या नेचुरल शेप्स हो, वो शेप्स कैसे होने चाहिए? तो वो शेप्स छोटे और बड़े होने चाहिए, उसमें सेम शेप्स के सर्कल्स या ट्रायंगल्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद रिपीटेशन होना चाहिए, द फर्स्ट रूल इज दैट रिपीटेशन। ओके, रिपीटेशन। ओके, छोटा बड़ा, सेकेंड रूल इज दैट कि आकार छोटे बड़े होने चाहिए। थर्ड रूल इज दैट ओवरलैपिंग, ये मैंने ऑलरेडी किया है, देखो यहाँ पे एक सर्कल किया है, यहाँ पे एक सर्कल किया है, इसके बीच में यहाँ पे एक सर्कल किया है, इस बीच में ये सर्कल करने के वजह से, या फिर ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के वजह से क्या हो गया, ये स्पेस डिवाइड हो गया। ओके, और ये एक जो बड़ी स्पेस थी वो भी डिवाइड हो गई, और उसमें और तीन, 1 2 3 4 आकार, 5 शेप्स कंपोज हो गए। ऑलरेडी पहले कौन सा शेप था? ये सर्कल था, फिर ये ट्रायंगल आने के वजह से 1 2 3 4 एंड 5 शेप्स उसमें डिवाइड हो गए। उससे क्या होता है कि एक डिज़ाइन अपना अच्छा दिखता है, एक रचना होती है उसमें, और कलर्स करते वक्त वो कलरफुल दिखता है और सुंदर दिखता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट रिपीटेशंस, देन यू हैव टू रिपीट द सेम शेप्स 1 2 3 टाइम्स, वॉट एवर जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा उतना। सी हियर भी, यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल को रिपीट किया है। सेकंड इज साइज, साइज आपको छोटा बड़ा करना है, वन इज अ बिगर देन अनदर इज अ स्मॉलर। ओके, थर्ड वन इज ओवरलैपिंग, ओवरलैप करना है, मतलब एक के ऊपर एक करना है, एक के ऊपर एक करना है। पहले तो हम लोग ने सेपरेट, जब तक बड़ा कागज रहता है तभी तक कुछ नहीं लगता है, पर जब भी एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं वैसे वो अलग अलग करना अच्छा रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे गलत जो नहीं करना है वो बताती हूँ। टीचर ने बोला 3 सर्कल्स करो, ओके किए, छोटे बड़े करे, टीचर ने बोला छोटे बड़े करे, वो भी किए। ओके, ये देखो, ये रचना देखो और ये रचना देखो। अभी यहाँ पे टीचर ने बोला है कि ट्रायंगल करो, ठीक है मैंने किया। यहाँ पे टीचर ने बोला एक छोटा करो एक बड़ा करो, ओके ये भी किया। तो सी द एलिमेंट्स आर सेम हियर, 2 ट्रायंगल्स ओवर हियर एंड 3 सर्कल्स ओवर हियर, बट विच वन इज लुक बेटर, ये अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो रूल्स फॉलो किए हैं, रिपीटेशंस, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के वजह से एक चेन तैयार हो जाता है जिसके कारण डिज़ाइन सुंदर दिखती है और कलर करने में अपने को क्रिएटिविटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसमें अलग अलग करने से। और रचना, व्हाट इज अ कंपोजिशन, तो कंपोजिशन क्या है? तो ये कंपोजिशन है, ये रचना है, इसको रचना नहीं बोलेंगे हम लोग, ये रचना है। ओके, अभी इसमें और आएगा, अगर आपको बताया गया कि लाइंस ड्रॉ करो, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, अगर कर्व लाइन ड्रॉ करने को बोलेंगे तो कर्व लाइन करना है। ये क्वेश्चंस में लिया दिया जाएगा आपको कि आपको कर्व लाइन ड्रॉ करना है या स्ट्रेट करना है या स्ट्रेट और कर्व दोनों करना है। ओके, तो ये आपको
देखना है। अभी देखो, आप अगर ड्राइंग को ऑब्जर्व करेंगे तो वेटेज देखेंगे, अगर कलर्स अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूँगी तो वेटेज कहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, ये साइड में वेटेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स ज़्यादा हो गए हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो अलग 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 पजल्स में कैसे टुकड़े होते हैं, जैसे हम लोग ने अगर इसको काटा तो ये एक अलग 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 टुकड़े यहाँ पे ज़्यादा होंगे, इसका मतलब यहाँ पे वेटेज ज़्यादा होगा कंपेरेटिव दिस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स अपने को बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कर्व लाइन दे दी जिसकी वजह से वेटेज सेम हो जाएगा। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये भी स्पेस थोड़ा बड़ा है तो ये स्पेस छोटा करने के लिए मेरे पास एलिमेंट्स रहेंगे तो एलिमेंट्स, नहीं तो कर्व लाइन मैं दे सकती हूँ। अगर आपको लिमिटेड कर्व लाइंस बोला रहेगा तो लिमिटेड कर्व लाइंस ही आपको देना है, और आपको अगर अनलिमिटेड यानी कुछ नंबर्स दिए नहीं है कि कर्व लाइंस करने के लिए कितने नंबर, यानी चार दो लाइंस करो तीन लाइंस करो, तो आपको कुछ भी लिमिट नहीं है। अगर लिमिटेशंस दिया है तो जितना बताया जाए उतना ही लिमिटेशंस में आपको ड्राइंग करना है। सी, ये पूरा अलग 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 पार्ट हो गया, उसके वजह से हम लोग कलर अच्छे से कर पाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इस रचनात्मक चित्र में, इस कंपोजिशन में ओनली ज्योमेट्रिकल शेप्स। नाउ आई विल शो यू नेचुरल एलिमेंट्स यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स करके मैं आपको ड्राइंग बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। रूल्स आर सेम। ओके, फर्स्ट मैं अगर मुझे बोला कि मुझे फ्लावर ड्रॉ करना है तो मैं ये एक फ्लावर ड्रॉ किया। ओके, उसके बाद में रूल्स इज व्हाट, रिपीटेशन, तो अगेन अच्छा। और एक बात है कि आप बोलोगे कि टीचर इसका देखो लीफ ये पेटल कितना बड़ा कर दिए आपने, इसका पेटल कितना छोटा कर दिए, इसका पेटल कितना छोटा कर दिए, तो डिज़ाइन में ये है कि वो चीज़ वो आकार, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स छोटे बड़े रिपीटेशंस हो गए, ओवरलैपिंग हो गए एक दूसरे पे आने की वजह से, यहाँ पे ये एक फ्लावर है एक फ्लावर है, ओवरलैप होने की वजह से ये पार्ट देखिए यहाँ पे अलग हो गया। ओके, तो रिपीटेशंस की है, ओवरलैपिंग की, छोटी बड़ी साइज की। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग ने नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, चाहे तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स भी डाल सकते हैं और वो ड्राइंग को सुंदर बना सकते हैं। ओके, ये हो गया, मुझे ये कर्व 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 होने के वजह से मैं अभी क्या कर रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रही हूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रही हूँ। लाइंस यूज़ करने के वजह से क्या हो गया है, सब पार्ट्स अलग हो गए हैं। अभी कलर करते वक्त ये अलग अलग सेपरेट पार्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में हम लोग कलर कर सकते हैं, जैसे इसमें और इसमें अलग अलग कलर कर सकते हैं, टोन्स बदल सकते हैं या टेक्सचर्स डाल सकते हैं। तो डिज़ाइन में मेन है कि जो रूल्स अपने को फॉलो करने थे वो तो हम लोग ने किए, रिपीटेशन किया, ओवरलैपिंग किया, उसके बाद छोटा बड़ा साइज किया, कंपोज किया उसको अच्छे से, उसके बाद कलर स्कीम, कलर्स जो आप यूज़ करेंगे वो कलर स्कीम और टेक्सचर, कलर्स यूज़ कर सकते हो आप अलग अलग, जैसे मैंने बताया आपको कि वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, पेस्टल यूज़ कर सकते हो, बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में चॉक कलर्स यूज़ कर सकते हो, वैसे ही टेक्सचर्स अलग अलग आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आज हम लोग ने देखा कि डिज़ाइन क्या है, जैसे एक डेकोरेटिव फॉर्म्स है और एक कंपोजिशन है, रचनात्मक चित्र और एक अलग कलर चित्र,
आज थोड़ी माहिती ली हम लोग ने कि रचनात्मक चित्र क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर शेप देने के बाद उसके अंदर एक फिक्स रूल्स के हिसाब से अपने को ड्राइंग करनी है. ओके उसके बाद हमें आज खाली आज हमें ड्रॉ कैसे करना है, उसके रूल्स क्या है वो देखना है. मैं आज आपको कुछ थोड़े से सैंपल्स दिखा देती हूँ. नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक डेमो करेंगे इसका, और अलग अलग टेक्सचर्स कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी. ओके तो थोड़ा सा सैंपल्स देख लो. ये एक सैंपल है डिज़ाइन का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अलंकारिक आकार यानी डेकोरेटिव फॉर्म्स में मैंने ये एक बैग की है. उसके बाद में डेकोरेटिव फॉर्म में मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक फैन किया हुआ है, जैसे ये एक पॉट किया हुआ है ये फैन किया हुआ है, ये भी एक फैन किया हुआ है. ये डेकोरेटिव फॉर्म्स हो गए. और जैसे मैंने आपको बताया कि रचनात्मक चित्र मीन्स पर्टिकुलर एक आकार दिया गया हुआ है, उसमें रिपीटेशंस फॉलो करने हैं, शेप्स आकार फॉलो करना है, एक छोटा तो एक बड़ा, और उसके बाद कलर स्कीम फॉलो करनी है, और हमें ओवरलैपिंग सिस्टम करना है. देखिए ये स्क्वायर ट्रायंगल के ऊपर ये सर्कल ओवरलैप किया है, यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर एक सर्कल ओवरलैप किया हुआ है. अभी यहाँ पे ये जो एक ड्राइंग है वो है मोनोक्रोमेटिक, मतलब इसमें खाली एक ही कलर बेसिक कलर यूज़ किया हुआ है. जैसे मैंने अभी पहला ड्राइंग आपको दिखाया था वो ड्राइंग में भी ब्लू कलर था, और फिर उसमें वाइट डाल के और ब्लैक डाल के उसके शेड्स अलग 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 टोन्स बनाए गए, और फिर ये ड्राइंग कंप्लीट किया गया है. ये ड्राइंग हमने वाटर कलर में भी कर सकते हैं, पोस्टर कलर में भी कर सकते हैं. अभी यहाँ पे बॉर्डर करना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि बॉर्डर करो, या आप बॉर्डर करोगे तो भी चलेगा, ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको बॉर्डर करना ही है या आपको बॉर्डर नहीं करना है. ओके तो अभी यह है एक रंग संगति. ओके तो आगे का हम लोग एक दूसरा ड्राइंग देखेंगे, वो है ये. अभी ये ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग में आप देख सकोगे कि इसमें नेचुरल एलिमेंट्स भी है, लीव्स है, फ्लावर्स है, उसके बाद में सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है, स्ट्रेट लाइंस है. ओके तो जो एलिमेंट्स आपको कंपोजिशन करने के लिए अच्छे रहेंगे वो एलिमेंट्स को आपको ड्रॉ करना है. अगर बैकग्राउंड आप डार्क लेते हो तो आपको फोरग्राउंड लाइट लेना है, अगर फोरग्राउंड आप डार्क लेते हो तो आपको बैकग्राउंड लाइट लेना है. ओके इसके वजह से क्या होगा कि आपका ड्राइंग खिल के अच्छे से दिखेगा. अगर दोनों टोन सेम रहेंगे ऊपर का और नीचे का तो ड्राइंग का गेटअप इतना आएगा नहीं. इसलिए ये चीज़ ये भी आप जब भी डिज़ाइन करोगे, जब भी कलर करोगे डिज़ाइन को, तो देखना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन करते हो तभी वो डिज़ाइन के लिए आपको कलर कॉम्बिनेशन क्या करना है, कलर स्कीम क्या करनी है, वो भी सोचना आपको ज़रूरी है. जैसे हॉट कलर्स है, वार्म कलर्स है और कूल कलर्स है, वैसे कलर्स की अलग अलग स्कीम होती है, वो कलर स्कीम कौन से आप करोगे वो सोचना भी आप डिज़ाइन के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके उसके बाद कलर का हो गया. अभी टेक्सचर, ये देखो सर्कल में किया हुआ है, ये रचना की है, ये सर्कल में इस एलिमेंट्स की, इस भौमितिक आकार की, इस ज्योमेट्रिकल शेप की रचना की है, और उसको डोमिनेट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप तो मैंने टेक्सचर का यूज़ किया है. अगर आप ड्राइंग देखोगे तो आपका ध्यान ये ड्राइंग की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कलर किया है वो देखिए, ये एंगल में से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एंगल आया है वहाँ वहाँ पे मैंने डार्क टोन लेके आगे की तरफ लाइट किया है. तो ये एक ये है, यानी ये एक तरीका है ड्राइंग को खूबसूरत बनाने का, कि
ये ड्राइंग, ये छोटा सा आकार, ये बेसिक स्क्वायर ट्रायंगल भी कैसे सुंदर दिखे, तो इसके वजह से ये सुंदर दिख रहा है और ये पॉइंट डोमिनेट हो रहा है, यहाँ पे अपना ध्यान जल्दी जा रहा है। वैसे ही सेम थिंग इज़ यहाँ पे भी वैसे ही है। जैसे यहाँ पे मैंने हॉट कलर स्कीम यूज़ की है, यहाँ पे मैंने कलर स्कीम यूज़ की हुई है, यहाँ पे मैंने कोई भी कलर स्कीम यूज़ की नहीं है, पर यस इसमें मैंने ज़्यादा ब्लू कलर यानि कूल कलर्स का पूरा उपयोग किया है और जस्ट एक रेड कलर उसमें डाला हुआ है। इसमें मैंने टेक्सचर्स का उपयोग किया है जिसमें नेट स्क्रिबलिंग, उसके बाद लाइनिंग्स और रेंडरिंग, ये अलग अलग टेक्सचर्स का मैंने इसमें उपयोग किया हुआ है। आगे का ड्राइंग हम लोग देखेंगे, आज हम लोग खाली ड्राइंग के सैंपल्स देखेंगे ताकि आपको समझे कि ड्राइंग डिज़ाइन कितनी सुंदर और कितनी अच्छी अच्छी बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है, ये भी बेसिक एकदम स्क्वायर में मैंने सिंपल एकदम फ्लावर्स बनाए, जैसे मैंने आपको अभी फ्लावर्स बना के दिखाए थे वैसे, और रेड कलर का बॉल पेन का यूज़ करते हुए और ऑरेंज कलर, येल्लो कलर और रेड कलर, पेस्टल कलर करके ये ड्राइंग को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और नेक्स्ट ड्राइंग है, ये फ्लावर्स का शेप मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ड्राइंग्स डिज़ाइन में टेक्सचर करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके मेरे स्टूडेंट्स को भी टेक्सचर के ऊपर ज़्यादा उनको प्रेशर करती हूँ कि आप टेक्सचर करें, ताकि टेक्सचर करने के वजह से आपका ड्राइंग थोड़ा इनोवेटिव और थोड़ा क्रिएटिव लगता है, थोड़ा अलग लगता है। बेसिकली प्लेन प्लेन ड्राइंग करने से ये कुछ अलग करेंगे तो अच्छा दिखता है। ओके, यहाँ पे भी मैंने सेम पेन का, बॉल पेन का उपयोग किया है और पेस्टल कलर से बैकग्राउंड किया है। मैंने आपको बोला ना, बैकग्राउंड अगर लाइट रहेगा, सॉरी फोरग्राउंड अगर लाइट रहेगा तो बैकग्राउंड आपको डार्क करना है। इसके वजह से क्या हो गया है, देखिए डार्क फॉर बैकग्राउंड के वजह से क्या हो गया, ये लाइट कलर का फ्लावर पॉपअप हो गया है, उभर के ऊपर आ गया है। ओके, इसके वजह से ये ड्राइंग ऊपर उठी हुई लगती है, ड्राइंग में डेप्थ लगती है। ओके, अभी आगे का नेक्स्ट ड्राइंग हम लोग देखेंगे। ओके, ये सैंपल था आपका रचनात्मक चित्र का, ये भी एक रचनात्मक चित्र है और जिसमें मैंने पेस्टल का उपयोग किया हुआ है। आगे का मैं सैंपल आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे भी ये रचनात्मक चित्र ही है जिसमें मैंने नेचुरल फॉर्म भी दिखाए हैं, फिश, उसके बाद में लीफ और एक लाइट टोन में सब में एक लेवल पे ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का टोन्स बना के उसको कलर किया हुआ है। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने टेक्सचर्स किया हुआ है, ये टेक्सचर्स मोज़ेक बोलते हैं इसको, और ऐसे ही अलग अलग टेक्सचर्स से यहाँ पे मैंने एक टेक्सचर किया हुआ है। ये अलग टेक्सचर्स के वजह से हम लोग ड्राइंग को गेटअप ला सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने एक रचनात्मक चित्र यानी कंपोजिशन किया हुआ है जिसमें सर्कल है, फ्लावर है, ट्रायंगल है, कर्व लाइंस है, और यहाँ पे भी देखिए मैंने टेक्सचर्स के माध्यम से, ये टेक्सचर्स जो किया है मैंने बॉल पेन का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने बॉल पेन का उपयोग किया है, ये भी रेड कलर एंड ब्लैक कलर का बॉल पेन किया हुआ है, और ये जो ऊपर आपको थोड़े से ग्रीन और रेड कलर दिख रहे हैं वो चॉक से मैंने जस्ट ओवरलैप किया है उसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर मैंने कलर्स स्प्रेड किया हुआ है, तो उसके वजह से इसका गेटअप, इसका लुक देखिए कैसे अलग आता है। ओके, तो आज हम लोग ने सीखा दो डिज़ाइन में यानी संकल्प चित्र में एक रचनात्मक चित्र और एक हम लोग ने देखा कि डेकोरेटिव फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि टेक्सचर्स कैसे कैसे और किस किस चीज़ से कर सकते हैं और कैसे कैसे उस ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन का मेन एम क्या है कि दी गई हुई विशिष्ट आकार को, दी गई एक पर्टिकुलर शेप को हमें सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, तो उसके लिए लगने वाली जो जो चीज़ें हैं, कलर्स है, शेप्स है,
पैटर्न्स है, उसके बाद टेक्सचर्स है, इसका उपयोग करके उसे सुंदर कैसे बनाना है, ये मेन एम डिज़ाइन का है। वो आज हम लोग ने बेसिकली इन्फॉर्मेशन ली। नेक्स्ट पीरियड में जैसे मैंने आज अभी आपको बोला कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अभी जिसको अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे डाउट्स पूछ सकता है। ओके okay?